देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साधु संतों ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर आज अयोध्या में संत सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से संत पहुंचे। इस दौरान अयोध्या से तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए कहा कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया था, वह 2 अक्टूबर को सरयू जी में जल समाधि ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर देश हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा तो हिंदू नहीं बचेंगे, और जब हिंदू नहीं बचेगा तो ये राजनीतिक पार्टियाँ भी नहीं बचेंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा एवं संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस दौरान महंत परमहंस आचार्य ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अंडा, मांस और शराब की बिक्री को भी प्रतिबंधित करते हुए कहा कि 84 कोस के अंदर अंडा, मांस, मदिरा पूर्ण रूप से बंद हो, सभी तीर्थों का तीर्थत्व सुरक्षित रहेगा। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आज संत सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग तीर्थ के सभी जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों से संत आए हैं। हजारों संत यहाँ आज उपस्थित हुए और शाम तक उनका तांता लगा रहेगा। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि जब भारत का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया, तो वो चंद मुसलमानों के लिए नहीं, भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया है। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो, नहीं जहां हिंदुस्तान में भी जहां मुसलमान ज़्यादा हो गए हैं वहां जो है तो हिंदू पलायन कर रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये दुखद है। आज तमाम ईसाई मिशनरियां जो है लोभ लालच देकर के हिंदुओं का जो है कन्वर्जन करा रही हैं। तमाम इस्लामिक संगठन, लाखों मौलाना, जैसे मौलाना जहांगीर, मौलाना उमर पकड़े गए, अभी लाखों मौलाना ऐसे हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म की जाए। जो देश इनको जो है, जब इनको हम लोग पार्टीशन नहीं करने दे रहे थे तो ये लोग बोले कि हम लोग मुसलमान जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, दो सिद्धांत को मानने वाले लोग हम लोग जो है अलग अलग रहेंगे, अलग विचारधारा है। जी ये तो हो गया।